हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार हम जा रहे हैं आज डोल आश्रम घूमने, तो चलते हैं आगे। ये सभी जा रहे हैं यार डोल आश्रम घूमने के लिए, साथ में पीछे से हमारा डॉगी भी आ रहा है। आज मौसम काफी ठंडा है यहाँ, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ हम पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम चलेंगे अभी, आफ्टर ऑल कम से कम दो आधा घंटा लगेगा रोड में जाने पर, फिर वहाँ से गाड़ी में चलेंगे। तो गाइस यार बहुत थक चुके हैं हम, यहाँ बहुत ऊपर जाना है हमें अभी रोड में, वहाँ से चलेंगे। आपको अभी पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सड़क पर पहुँच चुके हैं, तो भाई कार लेके आ रहा है, तो थोड़ा टाइम है गाइस। तो अभी डोल आश्रम के लिए सही हो रहा है, पहाड़ों का इलाका है, बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारा। हाँ ठीक है, तो अभी हम आएगी हम कार, तो हम इसमें जाएंगे, तो आपको पूरा दिखाएंगे उधर। और आप कुछ बोलना चाहेंगे विक्रम जी? हमने हमारे बड़े भाई साहब ने सब कुछ बोल दिया क्या ना, कुछ और भी जानकारी जानकारी क्या देंगे हमारे जैसे आजकल ठंडे का मौसम है। हाँ ठंडा तो बहुत है, हम पूरी व्यवस्था के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, डोल आश्रम जो है ठंडी जगह पे है। हाँ आपको हम आ चुके हैं, यहाँ से आगे जाना है हमें 1-8 किलोमीटर। ऊपर कुछ चिकित्सालय बन गया है। हाँ तो हम 1-8 किलोमीटर आगे हैं यहाँ से डोल आश्रम। फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले हैं हमारे लिए। आपको दिखाना चाहेंगे हम डोल आश्रम, आ चुका है डोल आश्रम, गेट आ चुका है, बात खुल गया जान में गाइस। ये पहुंचने ही वाले हैं हम जस्ट यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई गिर न जाए करके बनाया है। हम पहुंचने वाले हैं भाई, हम वाले ही बंदे रहते हैं, मैंने आने में नहीं जाने पहुंचने वाले हैं गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गेट में, भाई क्या दिख रहा है कृपया कोई अंदर नहीं आ सकता। ये क्या है, कुछ नोटिस लगाया गया इसे। यहाँ तो बंद है तो गाइस यार डोल आश्रम तो बंद था, अब हम जा रहे हैं विष्णु मंदिर। आगे से हमारे सभी भाई, बड़े भाई, और यहाँ का आपको चारों ओर का नज़ारा दिखाएंगे, देवदार के वृक्ष, ठंडा मौसम, और क्या ही कहने गाइस।
देवभूमि उत्तराखंड में काफी ही। और यहाँ बिल्कुल पहाड़ों में बस चल रही है, अभी यातायात सभी खुले हैं कोरोना के इस दौर में, आप आ सकते हैं। और यहाँ देवदार के वृक्ष काफ़ी शोभा बढ़ा रहे हैं इस पहाड़ की। ये देखिए विष्णु मंदिर की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है। अब हम जाएंगे विष्णु मंदिर। डोल आश्रम गाइस बंद था कोरोना के चक्कर से, तो इस चक्कर से विष्णु मंदिर जाएंगे हम। यहाँ देवदार के वृक्ष आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा, यहाँ का माहौल देखिए, ठंडी शीतलता में भरा वन कह सकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं उधर विष्णु मंदिर, तो क्या सुंदर नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पानी भी उपलब्ध है, सभी प्रकृति को यहाँ पे मौजूद है इस प्रकृति के सौंदर्य स्थल पर। विष्णु मंदिर पहुंचने वाले हैं हम। कुछ पल प्रस्थान करते हैं। विष्णु मंदिर काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए, यहाँ का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। क्या ही कहने हैं, इधर से हम लगे जा बहुत अच्छा पर रास्ता, चारों ओर आप देख सकते हैं नजारा भी। बहुत ही कुछ कहना चाहेंगे जी, गाइस हम आ चुके हैं यहाँ विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर जगह है क्या ही कहें। जय श्री राम।
यहाँ पर गुफा है गाइस, देख सकते हैं। यहाँ पर गुफा यहाँ पर गर्भ गुफा, श्री आदिशक्ति गर्भ गुफा का निर्माण, माता रानी की गुफा है यहाँ पे। इधर ही सी क्या बाहर आ चुके हैं हम। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा यहाँ आके आपको? आनंद आया, प्रकृति का सौंदर्य स्थल, मन तृप्त हो गया। क्या कहें, यहाँ मन को शांति मिलती, यहाँ सारे पाप धुल गए हमारे, यहाँ आके हमने वापस से आते हैं अब दूसरे मंदिर में। देवभूमि की यही खासियत है कि यहाँ मंदिर बहुत है। चारों तरफ देख सकते हैं इस बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य मिल जाएगा आपको। यहाँ पर से हिमालय, क्योंकि कैमरा में शायद साफ नहीं दिख पा रहा है, लेकिन बहुत ही यहाँ से दिख रहा है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।